हिंदुस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, हामिद मीर के बारे में आप जानते हैं और मौलाना तारिक जमील के बारे में भी आप जानते हैं। हामिद मीर साहब ने मौलाना साहब से माफ़ी मंगवा के क्या अच्छा किया? अभी देखिए ज़रा मैं हामिद मीर की धुलाई कैसे करती हूँ बिना वॉशिंग पाउडर के। हाँ जी, हामिद जलील साहब आजकल आप बड़े फेमस हुए हैं, बुज़ुर्गों से माफ़ी मंगवाते रहते हैं। उस बुज़ुर्ग से माफ़ी मंगवाई है जिसका सियासत के साथ कोई चक्कर ही नहीं है, जिन्होंने ये बोला कि रमज़ान के मुबारक मौके पर सब लोग अपना झूठ छोड़ दें तो ये जो आफत है ये भी हमें छोड़ देगी, अल्लाह के आगे झुक जाए। आपको इतनी शर्म नहीं है कि आपने अपनी सियासत गर्म करनी शुरू कर दी? हामिद जलील साहब आप रिटायर हो जाएं, आपकी शक्ल बहुत पुरानी हो गई है, ठीक है ना? तो आप जो ये मेकअप कर करके टाइयाँ लगा लगा के जियो पर आकर अपना चमचा करछा चलाते हैं ना, तो ये सारी दुनिया को पता है। सारे साफियों में सिर्फ आप एक झूठे हो। आप जो ज़रा सा सच होता है उसमें हज़ार गुना झूठ मिलाकर बात करते हो। आपकी न्यूज़ कोई नहीं देखता, चैनल बदल लेते हम लोग। आपने अल्लाह के एक दीन के दीन और इस्लाम के बंदे को आपने ना जलील किया, और ट्विटर पे ये कहते हो कि मैंने मौलाना साहब से माफ़ी मंगवा ली। शेम फॉर यू, आपके लिए एक शर्म की बात है। आपने मौलाना साहब से माफ़ी मंगवाई तो आप तो अपने बाप को नहीं बख्शते होगे। शाम को जब आप घर जाते होगे तो आपका बाप कहता होगा बेटा आज तूने न्यूज़ में झूठ क्यों बोला, तो अपने बाप के तो तू कान पकड़वा देता होगा। वो वक़्त दूर नहीं है जब अल्लाह ताला की लानत तुझ पे होगी, जब ये कौम तेरा मुंह काला करके छितरों का हार तेरे गले में डालेंगे। तब तेरा मुंह बंद था जब ये उल्लू का पट्ठे जलजले और सलाब के पैसे खाकर बैठे थे, तेरे मुंह में क्या घुस गया था? तब तेरे मुंह में क्या घुसा था जब मौलाना फजल और रहमान मुल्क तोड़ने के चक्कर में थे? तब तेरे मुंह में क्या घुसा था? तब तू क्यों नहीं बोला? अभी बोलता है कि बिलावल को वजीर आजम होना चाहिए। नहीं, बिलावल को तेरा पड़वैया होना चाहिए ताकि जो मुल्क बच गया है थोड़ा, ठीक है ना, उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाओ, खिचड़ी पकाओ तुम लोग। मुझे ये तो बताओ कि कितनी की तोहफ़ों को अल्लाह का नाम पे सजदा करते तुम सजदा करने पे मजबूर किया? कितने को मुसलमानों को सच्चा मुसलमान बनाया? कितने को लोगों को दीन की बातें बताई? मैं तो नहीं ये समझती कि आपने कभी एक वक्त की नमाज भी पढ़ी होगी, हाँ मजलील साहब, क्योंकि जो नमाज पढ़ता है ना अल्लाह की तरफ से अपने माँ बाप और बुजुर्गों की कदर उसके दिल में होती है। मैं तो यही कहूँगी कि आप वो जो पहले चोर लुटेरे थे ना उनके लीडर थे, अब आपके हो गए लफाफे खाली, आप बुढ़े हो गए, अब आपको लफाफा कोई नहीं देता। और चंद जो आपके सहाफ़ी हैं जिनके बीच में मिलके आप लफाफे बांटते थे ना आपस में, अब वो बंद हो गए हैं, क्योंकि अब कौम को इंसाफ मिला है, अब कौम को बात करने का मौका दिया है। अब बस कर दें, इस सहाफ़ी की कुर्सी को छोड़ दें, नई नस्ल को आने दें जो अल्लाह रसूल के ऊपर बात करके बात करें। छोड़ दो इस कुर्सी को, ये तो लानत पड़ जाएगी अनकरीब ही, मुंह काला हो जाएगा तेरा। उल्लू के पट्ठे जलील, हामिद जलील, तुझ पे अल्लाह की लानत, तूने बुजुर्ग आदमी दीनी आदमी से माफ़ी मंगवाई, उसकी आंसुओं का साथ तुझे देना पड़ेगा अनकरीब ही। देखिए तेरे साथ होता क्या, पूरी कौम की लानत तेरे साथ है, अल्लाह की लानत तुझ पे बरसे। अपनी शक्ल देख, अब क्या कहूँ मैं तुझे। शेम फॉर यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दे दे, पाकिस्तान।